ओए पैसा कहाँ से लाए? हाँ कि मेरा एक कॉपी था, मतलब कह सकते हो टायर कह सकते हो, नहीं वो डायरी ही था, वो मिल नहीं रहा है। एक रुपया नहीं। बहुत झूठ बोलती है, विश्वास मत कीजिएगा इसके बाद। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक नए ब्लॉग। तो आज है 30 जनवरी और हमारे दिन की शुरुआत हो चुकी है। ये देखिए ये क्या बैठने का स्टाइल है भाई। ओम मैडम जी, ये क्या बैठने का स्टाइल है हैं जोई के ऊपर। और इनका खाना पीना मस्त हो गया है। और पता नहीं मेरे वॉशिंग मशीन में क्या प्रॉब्लम हो गया, ये पानी आने लग जाता है नीचे से, शायद कुछ अंदर से प्रॉब्लम हो गया होगा। ये देखिए खीर है। हेलो, हमको नहीं खाना है, फ्रिज में रखा ही रह जाएगा। खा लेंगे। कल हमारे यहाँ बना था गुड़ वाला खीर, वही बच गया है। ओ, अंदर में इसलिए लोग परेशान हैं। देखिए अपने दोस्त को निकलवाने के लिए। ओए आजा आजा आजा, चल ले बेटा, चल ले चल ले। खेलो 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 खेलो। 1 2 3 4 5 7 ये देखिए एक नया आदत सीखी हुई है बदमाश कहीं की। तो सिट्टू बाबू का बैग यहाँ रखा हुआ है। सिट्टू बाबू पता नहीं कब आएंगे, कब आओगे। ये है मेरी मारिया। मारिया इसका स्टोरी क्या है बताएं आपको। और ये समझ में नहीं आ रहा ख़त्म हो गया कि है। अब इसमें जेल तो मुझे ऐसे ऐसे फील हो रहा है, लेकिन ये स्मेल नहीं आ रहा इससे। लेकिन फिर भी हम इसे नहीं फेंकेंगे, अभी ये रहेगा। तो अभी बच गए हैं 1 और लग गया है कार्ली को भूख। कार्ली को खाना दो, मैं खाना दो कार्ली को। पानी से पूरा एकदम पचपच हो गया, फिर से हो गया। अच्छा पोछ दे रहे हो, तुम क्यों इस पे सो जाती हो, उठो उधर से, हट जा हट जा हट जा बच्चा। साफ करो साफ करो साफ करो। एक हनी सिंह का गाना है ना, नोट फेंको नोट फेंको, साफ करो साफ करो साफ करो, रोज करो रोज करो रोज करो। मैं कह रहा हूँ साफ करो साफ करो साफ करो। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ना। कार्ली का खाना आ गया, अब हम इसको खिलाते हैं। ओए रुक जा कार्ली, जो ये दोनों का खाना है। ये लोग बंदर लोग बिना मतलब में कूदते रहते हैं। कार्ली और जोई का खाना हो गया है कंप्लीट। तो कार्ली ने अपना पूरा स्वेटर वेटर फाड़ दिया है, और ज़्यादा दिन ठंडा भी नहीं है, 1-2 दिन में ख़त्म ही हो जाएगा। तो तब तक के लिए कार्ली को ये टी शर्ट है ना, ये पहनाते हैं, अच्छी लगेगी। तो ये देखो हमने कार्ली को टी शर्ट बना दिया। कार्ली आ जा, इधर आके दिखा दे, आ जा है ना, ये देखो अच्छी लग रही है। लोग बोल रहे हैं मम्मी मम्मी मुझे भी नया स्वेटर दिलवा, मुझे भी। तो हमारा खाना आ गया है, तो हम खाना खाते हैं। और खाने में है राजमा, चावल, रोटी, और ये पता नहीं किस चीज़ का अचार है, और ये है एज ऑलवेज बैगन का भरता। आजकल हमारे यहाँ बैगन का भरता खूब बन रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। कार्ली जी अपना खाना खा ली हैं, फिर भी हमको देख रहे हैं, क्यों भाई क्यों। ओए पैसा कहाँ से लाए? ये देखो 10-10-10 का नोट है शायद, ये कहाँ से फाड़ी पे और कहीं है क्या। ये लगता है मेरे पॉकेट में 1-10 का नोट था, वही गिर गया, फाड़ दिया इन्होंने। बंदरो ओ बंदर बंदर ओ बंदर। और 1-500 का भी नोट था, कैसे तो वो बच गया यार, ये तो बड़ा अफसोस होता। और ये नल्ले के जैसे बैठे हुए हैं। अब क्या है, कल से ही मैं सोच रहा हूँ कि मेरा एक और चैनल है ना, उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, और उस पर पिछले 40 डेज से मैंने एक भी वीडियो नहीं डाले, और ये बहुत ही गलत बात है। अब कल से मैं ट्राई कर रहा हूँ कि उसके लिए कुछ स्क्रिप्टिंग करूँ, और उसके लिए कोई वीडियो मैं तैयार करूँ, पर इतना आलसपन हो जा रहा है कि बता नहीं सकता। अब आलसपन से तो काम होगा नहीं, तो अभी सोच रहा हूँ मैं कि कुछ लिखने का ट्राई करूँ, अगर लिख लूँ तो अच्छा है, कुछ लिखने का ट्राई करता हूँ अभी। क्योंकि यार अगर कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी तो फिर दिक्कत है, मतलब
फिर तो दिक्कत है ना भाई, आपको कंटेंट तो क्रिएट करना ही है। अच्छे कंटेंट क्रिएट करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, मतलब एक अच्छा टाइम लग जाता है। अगर आप अच्छे से बैठना पड़ेगा, अच्छा स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा, प्रॉपरली एक एक चीज़ रेलिवेंसी को मैच करते हुए आपको लिखना पड़ेगा। तो चलिए अब चल के लिखते हैं। और अभी मैं व्लॉग कर रहा हूँ अपने इस सेल्फी स्टिक वाले से जो मैंने खरीदा था, पर मैं यूज़ बहुत कम करता हूँ इसको। तो मैं अभी खोज रहा हूँ पेन और पेपर, क्योंकि मैंने कॉपी तो रखा था टेबल पे, पर अभी वो मिल नहीं रहा है, शायद मम्मी ने कहीं हटा दिया होगा। तो सबसे पहले कॉपी खोजते हैं और उसके बाद लिखना चालू करते हैं, क्योंकि आज मतलब कुछ ना कुछ स्टार्ट कर देना है यार, रोज़ रोज़ बहाना मारने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो कॉपी तो हमें मिल गया है, और कॉपी का हालत देखो क्या है, ये देखो। और ये सारा काम है इन बदमाशों का, ये जितना भी बदमाश वाला काम होता है ना, ये यही करते हैं। और देखो यार, अगर सच सच बताऊँ तो हमने कुछ भी अभी नहीं लिखा है, मतलब प्रयास किया लेकिन मैं लिख नहीं पाया, और इन लोगों के खाने का टाइम भी हो गया, तो पहले इन लोगों को खाना देते हैं क्योंकि बच्चे हमारे भूखे हैं, उसके बाद फिर अपना काम करेंगे। मतलब आज टेंशन नहीं है, आज कुछ ना कुछ लिख ही लेंगे, दिक्कत नहीं है। और मुझे एक बात समझ में आ गया है कि आज मेरे से कुछ लिखाने विखाने वाला नहीं है, मतलब हो ही नहीं पा रहा यार अभी। अब जैसे ही लिखने के लिए बैठे, नीचे में बारात है, अपना डुक 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 होने लग गया। अब मम्मी बुलाई, देखने चले गए बैल्कनी से, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे तो मतलब थोड़ी लिखवा पाएगा, नहीं लिखा पाएगा। और अभी क्या हो गया ना कि मेरा एक कॉपी था, मतलब कह सकते हो डायरी, वो डायरी ही था, वो मिल नहीं रहा है, वो बेड पर ही रखे गए थे और मिल नहीं रहा है। अब उसी को ढूंढ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने नोट की हुई है, अब वो उसको ढूंढने में लगे हुए हैं, कहाँ पे है कहाँ नहीं। सारे जगह तो ढूंढ लिया, मिल ही नहीं रहा है यार, हर जगह ढूंढ लिया यार, मिल ही नहीं रहा है। मतलब मैंने सारे टेबल वेबल सारे जगह देख लिया, अब कहाँ देखे समझ में नहीं आ रहा है। लास्ट टाइम जो था ना, वहाँ पे मैं बेड पे रखता हूँ अपना, साइड में ही सारा कुछ, मतलब जो भी मुझे नोट वोट करना रहता है, एक डायरी रखता हूँ। मैं जब दिल्ली गया था तो मैंने सारे टेबल पे रख दिए थे अपने, जितने भी नोट्स वगैरह थे सारे। अब सारा तो है लेकिन बस वही नहीं है जो मेन था। टेंशन हो रहा है यार, पता नहीं कहाँ चला गया, नहीं मिलेगा मेरा डायरी। हम रखे हैं थोड़े, वह तो खोज दो ना, जा रहे हैं तो अब से तो तुम जा देखते हैं। कल सुबह अभी शाम में नहीं खोज पाएंगे, आँख से दिखता नहीं। नौटंकी कर रही है, देख नहीं रही है, नहीं कि खोज देना चाहिए यार, आदमी परेशान हो रहा है तो। और बोल रही है कि आँख से दिखता ही नहीं है, झूठ झूठ। देखो ये पलंग के बिल्कुल कॉर्नर में गद्दे के नीचे एक कॉपी दिख रहा है, इसको निकालते हैं पहले। ये तो दूसरा बुक है यार, ये बुक नहीं था, पता नहीं कहाँ चला गया यार। देखिए एक और दिख रहा है, निकालते हैं। और फाइनली मेरा कॉपी मिल गया, वाह। इसके साथ साथ एक और बुक भी मिल गया, उस साइड में अंदर में इन लोग खेलते रहते हैं ना, तो उसी में चला गया था। नहीं लक्ष्मण, वाह यार फाइनली मिल गया, टेंशन हो गया था बहुत, इतना खुशी हो रहा है ना क्या बताएं, मज़ा आ गया मज़ा। ये दोनों को देखिए, पापा चीव स्टिक दिए हैं दोनों, अपना बदमाशी कर करके सब खा रहा है। सोचो उसी कोने से नीचे गया था, सोचो सोचो सोचो। अब मेरा डायरी मिल गया तो बोल रही कि मोमो खिलाओ, बताओ तुम खिलाओ, हम खिलाएंगे तो पैसा कमाएंगे तब ना। हम कमाते हैं, लल्ला है, कमाते हो लेकिन कंजूस। देखिए कंजूस बोल रही, इतना खर्चा करते हैं फिर भी बोल रही है कंजूस हो, एक रुपया नहीं। बहुत झूठ बोलती है, विश्वास मत कीजिएगा इसके बात पे। आप से जो करेंगे ना वो कैमरा पे दिखा के करेंगे, ठीक ना, तब आप लोग भी बोलिएगा कि नहीं आंटी आप झूठ बोल रही हैं। हमने ऑर्डर किया है मोमोज, तो मम्मी को खिलाएंगे मोमोज, बोल दिए कंजूस से आज खिलाते हैं। ये देखो मेरा गोपाल सोया हुआ मस्त, मेरा गोपलू सोया, गोपलू सोया हुआ, चल के मम्मी को बोलते हैं कि कंजूस नहीं है, देखो लो बोलते हो कंजूस से लाए ना मोमोज, खाते हैं। अब बोलो कंजूस नहीं है, कंजूस नहीं है, पैसा लिए हैं तुमसे, नहीं हाँ नहीं, झूठ झूठ नहीं बोलो,
पैसा नहीं दिए हैं। अभी लगे बाराती देखने में नीचे। बाराती देख के मोमोस खाएंगे। प्लेट में मांग रही है, प्लेट में दे दो। वो नीचे बारात है ना, वही देखने में लगी हुई है मस्त अपना। और सुन लो किंगडम मोमोज वालों, ऐसे ना मत भेजा करो, कुछ डब्बा वब्बा करो उसमें डाल के भेजा करो यार, ये अजीब लगता है देखने में। देखो गाइस, ये हमारा बन रहा है भुजिया गाइस। और भुजिया को थोड़ा चला देते हैं गाइस, अभी नहीं चलाते हैं इसको, छोड़ देते हैं अभी। शक मत करना गाइस, क्योंकि हमको थोड़ा थोड़ा खाना बनाने आता है गाइस। और एक कप को हटा देते हैं गाइस, नहीं तो तोड़ देंगे इन लोग गाइस। और बच्चों का हो गया है खाने का टाइम, तो हम इन लोगों को अब दे देते हैं खाना। और रुक जा यार, कूदने क्या लगती हो, रुक जा। तो सारे बच्चों को तो खाना पीना मस्त हो गया है, और ब्राउनी एज ऑलवेज हमेशा लास्ट हो जाती है। अब इन लोग का थोड़ा सुसू वसू का कार्यक्रम चालू होगा, तो उसका साफ सफाई कर देते हैं। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। नजर ना लग मेरे बच्चे को। ये देखिए दोस्तों, हमारा खाना आ गया है। ये है भुजिया, ये है फ्रेंच बीन की सब्जी, ये है सैलेड, और ये है तड़का दाल, ये है रोटी। तो आपको लालच आ रहा होगा, वैसे हमारे यहाँ खाना अच्छा अच्छा बनता है भगवान की कृपा से, आपके यहाँ भी अच्छा बनता होगा। चलिए बस इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, लाइक वाइक करते रहिए, और अपना सपोर्ट यूँ ही बनाए रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।